हरेक ने कुछ ना कुछ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है, जन जन ने लड़ी है, और इसलिए ये कार्यक्रम जो हो रहे हैं अलग अलग विधाओं में कार्यक्रम हो रहे हैं कि हरेक को लगना चाहिए कि हाँ हमने स्वतंत्रता पाई है, हमने कुछ किया है। ये अलग अलग भावना, और इसलिए ये संस्कृति मंत्रालय का, तो उन्होंने अभी जैसे कहा कि अनेक साधु संत हो गए, कवि हो गए, कलाकार हो गए, अब यहाँ के लोग कबीर को जाने, बाकी दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ के किसी को जाने, ये जो है कि हिंदुस्तान को जानो। मैं आपको बताना इतना ही चाहूंगी, मैंने बहुत बचपन में छोटी थी तब एक गीत से कबीर को जाना था, हमारा एक मराठी गीत था, उसमें ये कहा गया था कबीरा से विनतो शेले कौसल्यचा राम। ये कबीर की पहचान के जुड़ा है, उनका कुछ मन नहीं है, वो तो अपने भगवान के जो अजपा जप कहा ना, बहुत अलग बात है ये अजपा जप, लेकिन कबीर जी का वही चल रहा है। और कहते उसमें गीत में ये भी कहा, ठाई ठाई शेल्या वरती दिसे राम नाम। तो कबीर जी तो उसी में है, तो उनकी बुनाई कौन करेगा, तो एक एक धागा जोड़ी जान किचा नाथ। बहुत अलग अलग शब्द यूज किए, लेकिन भगवान राम स्वयं आकर के वो उनका छेला बुनते थे, क्योंकि कबीर जी भी तो अपने में मस्त। ये उनका जो पूरा वर्णन, मगर बाद में तो बहुत सारा सीखा उनसे कि कदम कदम पर चलते चलते वो सीखते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे रहोगे, क्या करोगे, क्या करना है, क्या नहीं करना। मैं सब दोहे तो नहीं बताऊंगी, आप मुझसे ज्यादा जानते हो, मगर ऐसे कबीर जी को यहाँ कबीर गायक भी हम सुनते आ रहे हैं, बहुत अच्छे लोग यहाँ पर कबीर के भजन गाते हैं। तो कुमार जी ने कितना गाया है, कुमार जी ने कुमार गंधर्व ने कितना, वो तो गाते ही, मगर गाँव में भी कबीर के भजन गाने वाले मंदिर में बैठ के आज भी गाते हैं, मैंने देखा है उनको, ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे कबीर जी का आज आपने यहाँ कार्यक्रम मेघाल जी आपने रखा, और ये जयपुर वालों ने बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको सबको साथ करके, यहाँ के भी कलाकार वाराणसी से भी आए, बहुत अच्छी बच्चियाँ गा रही है, आगे भी यह कार्यक्रम बहुत अच्छा चलेगा, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। ऐसे ही ये एक भाव जगाने वाली बात है, ये 75 कार्यक्रम हर मंत्रालय करेगा, ये एक भाव जगाने वाली बात है कि ये हिंदुस्तान की स्वतंत्रता हमने लाई है और हम इसको टिका के रखेंगे। यही बात। तो अब आप कुछ फिर में कहना चाहते हैं, तो अभी ताई को सुनना था और मेघवाल जी को सुनना है, तो मुझे कुछ ऐसा संकेत मिला कि कुछ अलग तरीके से भी सुनना है आपको, अभी 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 तो वो अभी सुन लो, बाद में कुछ सुनना होगा। कबीर उत्सव जो इंदौर में आज हो रहा है, उसमें संस्कृति मंत्रालय जुड़ा हुआ है और सुर संगम, उसके केसी मालू जी, मुकेश अग्रवाल जी, यहाँ से भी जैन जी और सभी लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे 16वीं लोकसभा में तो आप हमारी लोकसभा के अध्यक्ष थे ही, पर 15वीं लोकसभा में जब मैं लोकसभा में प्रवेश कर रहा था तो हम एनएक्सी में लाइब्रेरी में एक साथ ही प्रवेश कर रहे थे, तो इनसे ही बीजारोपण हुआ हमारे संसदीय जीवन का, ताई से ही। तो आज इनका इंदौर में फिर मिलन हुआ, अच्छा लगा हमें। ताई, ये एक विषय चला था कि कबीर को संपूर्णता में लोग नहीं जानते हैं, ये हमारे संस्कृति मंत्रालय में डिस्कशन भी हुआ, कुछ लोगों ने उसको विद्रोही कवि कह करके कह दिया। अभी जब शायद पूजा गा रही थी तो तभी निर्गुण तक उनको सीमित रख रही थी, वो सीमित है नहीं जी, मान लो जी कबीर जी, कबीर सीमित नहीं है, पूजा उसको सीमित में बांधना ठीक नहीं है कबीर को, इसलिए प्रधानमंत्री जी का सोच है
कि कबीर को संपूर्णता में पेश करो। देखिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में एक आदमी पूरे संसार में हलचल मचा देता है, सेंट्रल एशिया में स्टडी होती है, ये क्या है थी कबीर। मैं जब उज्बेकिस्तान गया तो ताशकंद में इनका एक सेंटर है, मान लो जी कि कबीर पढ़ा लिखा नहीं था और इतनी बातें कैसे कर गया। इस पर रिसर्च हो रही है। तो श्रद्धा ने गुरु वंदना करी थी जी, श्रद्धा ने, तो वो गुरु की बात करती है। रामानंद जी भी ऐसा कहा जाता है भी, लेकिन रामानंद उस समय जो परिस्थितियां थी उसमें रामानंद जी कबीर को गुरु बनाएंगे क्या, ऐसा विषय था। तो कबीर ने क्या किया, ये मैं बनारस में अभी 10 दिन चुनाव में रहा तब सारा देखा, कबीर सीढ़ियों में सो गए और रामानंद जी उधर स्नान करके आ रहे थे और कबीर के ऊपर ही पांव पड़ गया, और जैसे ही ऊपर पांव पड़ा राम, और कबीर ने कहा मुझे शब्द मिल गया, और उनका जो पांव था उससे उनको ऊर्जा मिल गई, वो ट्रांसमिशन हो गया, वो एकदम ऊर्जा लेकर के आ रहे थे ना गंगा से। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा ये गुरु भी वो मानते थे जी, किसने कहा कि वो बहुत विद्रोही थे, गुरु गोविंद दोनों खड़े, तो गोविंद क्या है, क्या उसको आप निर्गुणता तक सीमित थोड़ी रखोगे। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लाग पाए, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दिया पता, या ये भक्ति नहीं है क्या। जगत सत्य है या असत्य है इसमें विवाद रहा, लेकिन बहुत से लोगों ने कहा ब्रह्म सत्य जगत असत्य। कबीर भी उसमें जो अभी पूजा लास्ट में कह रही थी वो जगत असत्य है उसका दर्शन करा रही थी, वो भाव भी कबीर में है। कबीर को कुछ लोगों ने बनारस में अपना प्रोग्राम था, कुछ लोगों ने राम का कबीर से क्या संबंध ऐसा कहते हैं कुछ लोग कहते हैं, इसलिए अपने को कहना है कबीर को संपूर्णता में। तो हम कहते हैं भी कैसे नहीं ये संबंध, ये किसका दोहा है, बोला कौन सा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, हाँ क्या कहा आपने, क्या कहा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे प्यारा, ये कबीर है और कौन है, ये कबीर ही है। और कुछ एक वहां बनारस में आपके प्रोग्राम में एक किसी ने कहा कि बस कबीर यहां तक ही सीमित है क्या, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचानक कोई, ठीक है चलती चक्की की कबीर बात करता है, लेकिन आगे कबीर बात करता है उसको छोड़ देते हैं, बीजक में भी है। तो उन्होंने कहा नहीं 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 साहब बीजक में नहीं है। सब ये कुछ ऐसे विचारधारा के लोग आ गए जिनको कबीर के संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत नहीं करते, एक एक साइड देखते हैं। यहां बैठे होंगे अरुण गोविंद, हाँ उधर बैठो, हाँ इनसे भी मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा एक एक साइड कोई नहीं देखती थी कबीर की। अब जैसे ये जब कबीर ने कहा, क्या बोल रहा था मैं, हाँ चलती चाकी देख के दिया कबीर आरू, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई, कहा लेकिन आगे और कहा, चाकी चाले तो चालन दे तू कहे को रोल, लगा रहे तू कील से तो बालन बांधा हो, ये कील कौन है जी, गुरु है ये कील कौन है, ये कील कौन है जी, कौन है कील, सदगुरु है जी। तो इसलिए संपूर्णता में कबीर को समझना पड़ेगा। जब वो प्रेम की बात करता है तो उसको हंसते हैं लोग, कबीर ने यात्राएं बहुत की है जी, हंसते हैं लोग, लेकिन वो एक ही दुआ में सब कह देता है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो गए, प्रेम की परिभाषा दे देता है, वो कर्म की भी परिभाषा देता है। कबीरा जब हम जन्मिए जग हंसा हम रोए,
ऐसी करनी कर चलो हम हमसे करो करो। ये कबीर कर्म की बात कर रहा है ना, यहां नहीं कर रहा है क्या? तो यू कांट सी कबीर इन आइसोलेशन, ये प्रधानमंत्री जी का कहना है। इसलिए प्रोग्राम कबीर को संपूर्ण, तो मोदी जी के लिए जोरदार ताली नहीं बजाओगे क्या? इसलिए प्रोग्राम। मैं जब वित्त मंत्रालय में, जब ताई लोकसभा अध्यक्ष थी तो वित्त मंत्रालय में वित्त मंत्रालय का काम देखता था, तो प्रधानमंत्री जी ने हमको बुलाया, मुझे बुलाया, पहले अरुण जी को बुलाया था, अरुण जी वित्त मंत्री थे, और फिर महेश शर्मा उस समय संस्कृति मंत्रालय का काम देखते थे, बुलाया, और उन्होंने मगर की बात करी। ये मगर जिसका जिक्र आप इसमें कर रहे थे सही ना? जी जी। हाँ, मगर। तो अब अरुण जी पटेल थे, बहुत विद्वान आदमी थे, उन्होंने कहा सुना तो था वो कहीं, तो महेश जी को पूछा संस्कृति आपके पास है, अब मैं तो वित्त में था लेकिन मेरे पिताजी से मगर मैंने सुन रखा था, तो मैं बोला नहीं, चुप रहा। फिर मेरी तरफ देखा, मेघवाल जी आपको पता है मगर? मैंने कहा सर मुझे पता है। कैसे? मैंने कहा साहब एक धारणा चली हुई थी कि जो काशी में मरेगा उसको स्वर्ग मिलेगा, और जो मगर में मरेगा उसको नरक मिलेगा। इस धारणा को तोड़ने के लिए, हाँ बोला आप सही जगह पहुंच गए, वहां मैं गया हूं, और वहां दो स्थान बने हुए हैं। एक हिंदुओं ने कोई संस्कार किया होगा कबीर जी के, दो फूल मिले, वो बॉडी तो मिली नहीं थी ना कबीर जी की, तो एक फूल मिला तो उसको हिंदुओं ने संस्कार कर दिया, एक फूल मुसलमानों ने पकड़ लिया तो मुसलमानों ने उसको दफना दिया। तो दो जगह बनी हुई है, कबीर दास जी का बड़ा नाम, तो क्या मगर के लिए कोई प्रोजेक्ट ले सकते? तो हमने कहा साहब प्रोजेक्ट तो संस्कृति मंत्रालय लेगा, और पैसा देने वाला काम अरुण जी बैठे हैं, ये करेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री जी का सोच बता रहा हूं, हमको कहा कौन जा सकता है मगर, वहां कोई कार्यक्रम है 10-15 दिनों में। मैंने कहा साहब पता नहीं, पता कर लेंगे। हमने पता किया तो कबीरपंथियों का कोई 20-25 हजार का कार्यक्रम था, उनके पास सोशल मीडिया से कोई जानकारी थी, हम गए, मैं महेश शर्मा दोनों गए, सारा रिकॉर्ड है, तुम था साथ में सो है? तो बताता क्यों नहीं, बोलना नर्स को ऐसे करा बोलता क्यों? वहां गए और जाकर के हमने प्रोजेक्ट बनाए। मैंने पूछा अरुण जी को, मैंने कहा सर ये कितना बनाना है? तो उन्होंने कहा कोई 5-7 करोड़ का देख लो, और तो क्या होगा। तो मैंने डरते डरते 10 करोड़ का बनाया। नहीं आगे सुनो सही, आप वाह तो आगे आएगा थोड़ा। हाँ, तो 10 करोड़ का बना के हम ले गए, मैं महेश शर्मा दोनों थे, हम गए सर, मैंने जाए हैं, बहुत 20-25 हजार की कबीरपंथी आए हुए थे, बहुत अच्छे बात हुई, उनसे चर्चा हुई। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा था ना भगवान बुद्ध ने कपड़े उतारे वो जगह देखी? मैंने कहा सब वो जगह भी देखा है, पास में नदी है जहाँ भगवान बुद्ध जब राजमहल से निकले थे तो कपड़े उतारे थे, एक जगह उन्होंने कपड़े उतारने की प्रक्रिया, मैंने कहा वो स्थान भी ठीक है। बोला वो गोरखनाथ जी और जहाँ नानक देव जी मिले वो जगह भी देखी? मैंने कहा साहब वो जगह भी हम देखे, सारा उन्होंने बताया। तो गोरखनाथ जी का, नानक देव जी का भी, ये 13वीं शताब्दी के समकालीन लोग हैं। गोरखनाथ जी को तो अभी लोग कहते हैं ये अमर है, ऐसा कहते हैं। तो वो जगह भी हमने देखी। बोला प्रोजेक्ट बना दिया, पैसा देखा, इससे क्या होगा भाई? उन्होंने पेंसिल उठाई और 10 करोड़ का 100 करोड़ कर दिया। आप देखिए कितना बड़ा काम। और कई कबीरपंथी कहते हैं पता नहीं मोदी जी कैसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं भैया, इस बात को बताओ। और मगर में जाके देखो शायद 70-75 करोड़ रुपए तो लग गए। तो अगला प्रोग्राम मालू जी, वहां एक इंटरप्रिटेशन सेंटर बना है। अच्छा, आप मगर गए हो क्या? नहीं गए नहीं हो। आप जाके देख क्या, बहुत बड़ा सेंटर बना है। मोदी जी का तो कहना है कभी एसयू समिट हो रही है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो सेंट्रल एशिया का ही पार्ट है, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब हैं ही, उसमें ईरान इराक वाला एरिया भी है, और उसमें चाइना भी है, उसमें रशिया भी है। वो बोल रहे हैं कि सेंट्रल एशिया में जो स्टडी कबीर की सूफीज्म के नाते हो रही है उसका एक बड़ा इंटरनेशनल एससीओ के साथ मिलकर के और मगर में कार्यक्रम करो। इंटरनेशनल कौन बन, वो इंटरप्रिटेशन सेंटर बहुत बड़ा बना है, वहां ध्यान कक्ष भी बने, ठहरने का भी बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी बना है, बहुत सुंदर बनाया है, तबीयत से बनाया है। योगी जी ने भी पूरी इसमें रुचि ली है क्योंकि गोरखनाथ जी भी जुड़ रहे हैं उसमें, और महात्मा बुद्ध के लोग भी जुड़ रहे हैं, सर्किट बना दिया।
से आप बुद्धि सब हो गए। हाँ सब हो गए, इसलिए आप उस चीज में जाइए उसको करिए। बाकी मैं एक सुनाने के लिए आप सही संजय जी कह रहे थे क्या, मैं सुनाता तो हूँ लेकिन भाई साहब अभी अभी इस समय क्या है कि यहाँ कलाकार बैठे हैं ना, मैं कोई कलाकार तो हूँ नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज कभी कभी सुनाता हूँ। नहीं 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 मैं यही सुना दूंगा, कभी ऐसे बैठे सुना दूंगा। चदरिया जीरी रे जीरी ओ राम re giri ast kamal charkha ja panch tatv ki puni gao bhai ast kamal charkha ja panch tatv ki puni दश मास गर्भ में लाए, नौ दश मास पुनः में लाए, मूरख में कीनी जदरिया कीनी रे कीनी सुखदन निर्मल ओ तू बेला सुखदन निर्मल सुखदन निर्मल दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी दास कबीर ने ऐसी हो क्यों की क्यों धरती जदरिया दीनी रे दीनी ओ राम दीनी रे दीनी। ये कबीर है, ये जो चतर अपने को मिली है ना शरीर रूपी, इसको संभाल के रखना है, यही कबीर कह रहा है, इसको मैली नहीं करनी है। एक हरिओम शरण और गाता है ना, मैली साध है ना, कैसे वो भी ऐसे हरिओम शरण के ना, तुम्हारे मोदी जी ने एक काम और अच्छा किया मगर के